है लवली फैमिली। मैंने आपको ब्लॉग में शूट करके बताया था कि मैं मोदक की रेसिपी बनाने वाली हूँ, बट मैंने सोचा कि मोदक की एक सेपरेट रेसिपी जो है वो मैं अलग ही वीडियो डाल देती हूँ यूट्यूब पे, ताकि अगर आप लोगों को सिर्फ मोदक की रेसिपी देखनी हो तो आप लोग उसे देख के इंजॉय करें, ना कि मेरे ब्लॉग में आप उसे ढूंढते रहें। इसलिए मैंने अलग से ही इसको सेपरेट एडिट करके डाल दिया है और मैं ब्लॉग जो है वो दूसरे दिन डालूंगी। तो चलिए फटाफट मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये जो मोदक है वो ऑथेंटिक एकदम जो गणपति बप्पा को हमारे चढ़ाया जाता है प्रसाद में, वो मैं बनाने वाली हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को आपके साथ भी ट्राई किया जाए और देखा जाए कि मैं क्या गलती करती हूँ, जैसे कि मैंने पिछली मोदक में की थी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताती भी चाहूँगी कि आप वो गलती ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है इसे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, अपने रिक्वायर्ड के अनुसार जितना आपको चावल का आटा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था तो मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे नमक एक पिंच और एक चम्मच घी। हम इसमें सारी चीज़ें जो है वो घी से बनाएंगे और कोई तेल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रसाद के लिए रहता है तो घी का ही इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद हम इसमें चावल का आटा डाल के अच्छे से मिला लेंगे और देन हम गैस को ऑफ करके इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने ठीक से वही पैन को साफ कर लिया है और फिर हम इसमें बनाएंगे अपने मोदक की स्टफिंग। तो मैंने उसमें 2 चम्मच अगेन घी डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है जिसको मैंने अच्छे से छील के ग्रेट कर लिया है। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है तो हो सकता है आपको थोड़ा ये बोर लगे, बट भगवान के लिए इतना तो करना बनता है, क्या बोलते हो आप। तो बस, तो मैंने भी उसको अच्छे से भून लिया है इसे। ये प्रोसेस जो है हमें लो एंड मीडियम फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा। तो हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रेश नारियल को भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है जो मैंने कद्दूकस कर लिया था, जी हाँ मैंने उसे भी ग्रेट कर लिया था ताकि वो अच्छे से पिघल जाए। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और अगर गुड़ को हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो वो ऑब्वियसली जल जाएगा। तो हमें ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करना है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी नहीं लगा, ये अपने आप में ही एक अलग प्रसाद हो जाता है। तो बस हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसको भी जब तक पानी ना सोख ले गुड़ का तब तक इसमें आपको 10-15 मिनट लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट ठीक है कोई नहीं, अगर अच्छी चीज़ बनाना है तो उस पर ध्यान तो देना ही होगा। तो बस हम इसे अच्छे से मिला के और एक साइड रख लेंगे। हमारा भून गया है मसाला, इसे ठंडा करके ही स्टफिंग में डालना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसे हम ठंडा करने के लिए दूसरे साइड रख देंगे। और उसके बाद जो हमने चावल का जो आटा गर्म पानी में भिगो के रखा था उसको अच्छे से गूंथ लेंगे, एक आटे की तरह, उसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छी सी लोई बन जाए बिना फटे हुए। बहुत सारे लोग पेड़ा भी बोलते हैं बट हम लोग तो लोई बोलते हैं। तो बस इस टाइप का जिसमें कोई भी दरारें ना पड़े। और उसके बाद आराम से हम इसे स्टफ़ करेंगे अपने मोदक मोल्ड में, और क्या। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जब मैं मोदक मोल्ड सूट करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए तो मेरा पोपट हो जाता है और वो फट जाता है, क्योंकि मैं स्टफिंग ज़्यादा भर देती हूँ। बट इस बार मैं लकीली नहीं फटने दिया मैंने, और इस बार मैं लकी हो गई, आप लोगों के सामने मेरा पोपट नहीं हुआ, तो इस बात की एक अलग ही खुशी है। और बस मैंने मेरा मोदक मोल्ड जो मैंने लिया था बहुत काम का आया। और बस इसमें स्टफिंग भरिए जैसे मोदक मोल्ड में भरते हैं, और इसमें कोई भी 30 बार खा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो, जो मेरा पहला मोदक का जो वीडियो है वो मैंने बेसन से बनाया था और ये जो है वो चावल के आटे का है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो ब्लॉग में है तो आप मेरा ब्लॉग भी देख सकते हो और उसे इंजॉय कर सकते हो। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी अगर कुछ गलतियाँ हैं तो मैं उसको सुधारूँ और अच्छे इंटरटेनिंग वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए। और बस इसको मोदक मोल्ड में भरेंगे। और मैंने YouTube पे देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि ऐसे मोदक आपको स्टफ़ करके और बोलेंगे कि बस आप इसे खा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें इसे स्टीम करना होता है, बिना स्टीम के हम इसे नहीं खा सकते हैं। चावल का आटा अच्छे से पका हुआ तो है नहीं, तो बस हम इसे अच्छे से स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब स्टीमर नहीं था, तो मैंने जुगाड़ लगाया। और ये देखिए, मैं अपना जो क्या बोलते हैं परंपरा है उसको दिखाते हुए कि एक दो फट गया है, तो मैंने रिकॉर्डिंग में तो नहीं फटा था बट रिकॉर्ड पर करने के बाद फट गया, तो मैंने सोचा कि ऑनेस्टली दिखाई देती हूँ कि यहाँ पे भी मैंने फट कर ही दिया अपनी परंपरा को जारी रखते हुए। और बस मैंने बर्तन का जुगाड़ किया कैसे भी करके, क्योंकि स्टीम तो मुझे करना ही था, और इसको ढक के बिना हटाए हुए मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। और ये हमारे मोदक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा, क्योंकि ये डबल हो चुका था स्टीम होने के बाद, और
खाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक दीजिएगा इस मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए।